हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 18 में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेसिप्रोकल लैटिसेस टू बीसीसी लैटिस एंड एफसीसी लैटिस। लास्ट क्लास में हमने रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूबिक लैटिस करा था और हमने ये देखा था कि जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है डायरेक्ट लैटिस में, वो रेसिप्रोकल में भी सिंपल क्यूबिक ही होता है। ये पूरा हमने लास्ट क्लास में समझा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या बीसीसी लैटिस रेसिप्रोकल में भी बीसीसी होता है या नहीं। वैसे नहीं होता, बट हम देखेंगे कैसे। दूसरी चीज हम देखेंगे कि क्या एफसीसी लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है। नहीं, वैसे नहीं होता है, बट हम देखेंगे क्यों नहीं होता है। उसके बाद हम क्लास के एंड में दो न्यूमेरिकल, या तो अगर टाइम हुआ तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको करने के लिए दूंगा, और अगर मैं आपको करने के लिए दूंगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं उनका सोल्यूशन करवाऊंगा। खैर, अगली क्लास वैसे भी हमारी न्यूमेरिकल की क्लास होगी इसके ऊपर, तो चलो शुरू करते हैं। हम पहली चीज करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी लैटिस। ठीक है, देखो वैसे इस क्लास को देखने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट क्लास देखो, और अगर आपने देखी है तो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे बीसीसी लैटिस बनाना है और उस बीसीसी लैटिस से मुझे उसका रेसिप्रोकल बनाना है। रेसिप्रोकल लैटिसेस बनाने के लिए क्या सीखा था हमने कि रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर किसके बराबर था, 2 पाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसी तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में जो दूसरा ट्रांसलेशन वेक्टर था बी एस्टेरिक्स, वो क्या था। वैसे कई किताबों में ये B1, B2, B3 भी होता है, तो वो सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। 2 पाई अगला होगा C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। पूरी डेरिवेशन करी थी हमने लास्ट क्लास में। C एस्टेरिक्स क्या होता है, 2 पाई A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, ये हमने सीखा था। ये है हमारे रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर, और ये जो एबीसी हैं, ये वाले ये हैं हमारे डायरेक्ट लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर नॉर्मल वाले। तो उन ट्रांसलेशन वेक्टर से हम रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर बनाते हैं। तो पहले एक बीसीसी लैटिस बनाते हैं, और उस बीसीसी लैटिस में जो भी बी ए इन सब की वैल्यूज होगी वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर निकालेंगे, और हम देखेंगे कि वो कौन सा स्ट्रक्चर हमें बता रहा है। आपको ये बातें सब समझ में आने लग जाएंगी, बस पूरा फोकस रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बीसीसी लैटिस बनाते हैं। देखो, कोई भी एक यूनिट सेल ले लो क्यूबिक, क्योंकि बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो एक क्यूबिक लैटिस लिया। ठीक है, और इसके बॉडी के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट है। ठीक है, एक और क्यूबिक लो, यहां से एक और ले लेते हैं। ठीक है, पीछे वाली लाइन को मैं डॉट में बना देता हूं तो विजुअलाइजेशन अच्छी होगी हमारी। फिर इसी में पीछे वाला। ठीक है, अब मैंने ये सामने वाला इधर वाला फेस नहीं बनाया। ये एक सिंपल ये एक क्यूबिक लैटिस, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल, और एक ये क्यूबिक यूनिट सेल। अब कोई भी डायरेक्ट लैटिस में मैं कोई भी एक पॉइंट आर्बिट्रेरी चूज करता था रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, तो मैंने ओरिजिन के लिए, तो ये मैंने एक ओरिजिन मान लिया। यहां से मैं सारी कैलकुलेशन करूंगा। ये इस बॉडी के सेंटर का लैटिस पॉइंट है, इस बॉडी के सेंटर का लैटिस पॉइंट ये रहा, और इस बॉडी के सेंटर का लैटिस पॉइंट ये रहा। अब आप एक बात देखो, अगर मैं ये एक यूनिट सेल लूं, ठीक है, और यहां से कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, और बॉडी का सेंटर यहां पर है, तो इस तक पहुंचने के लिए देखो, एक लाइन तो ये वाली है, एक एक्सिस ये वाला है और एक एक्सिस ये वाला है। ये वाला जो एक्सिस है ये बेसिकली सामने आपकी तरफ है, और ये वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली कहीं यहां पर है, इस जगह पर है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा सा इधर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आधा आगे बढ़ना पड़ेगा, ये बीच में है ना, तो मुझे एक्स एक्सिस में आधा बढ़ना पड़ेगा, मुझे y एक्सिस में भी आधा बढ़ना पड़ेगा, और z एक्सिस में भी आधा बढ़ना पड़ेगा, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा जो बॉडी के सेंटर में है। तो वही चीज यहां पर तीनों में होगी, इसलिए मैंने ये बताया। अब आप बिल्कुल क्लियर समझोगे। देखो,
ये तो हमारा डायरेक्ट लैटिस है ना, तो हम एबीसी की यूज करेंगे, जो नॉर्मल प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है हमारे वो। तो देखो इस पे पहुंचने का जो मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको बोल देता हूं मैं ए प्राइम, ठीक है। इसको पहुंच इस पे पहुंचने के लिए जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको मैंने बोल दिया बी प्राइम, और इस पे पहुंचने के लिए जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको मैंने बोल दिया सी प्राइम, ऑलराइट। और जो ये मेरा सिंपल ये जो मेरा क्यूबिक यूनिट सेल है इसकी जो एज लेंथ है, एज लेंथ जो है वो मैंने ए मानी है, ठीक है। ए एज लेंथ है, सारी जितनी भी एजेस हैं सबकी लेंथ ए है। अब देखो ये ए प्राइम किसके बराबर होगा, ए प्राइम किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा अगर मैं इस साइड को एक्स एक्सिस मानू, इसको मैं वाई एक्सिस मानू और इसको मैं जेड एक्सिस मानू, तो इस पे पहुंचने के लिए इसका जो वेक्टर मैं लिखा लिखूं अगर मैं, तो क्या लिखूंगा, देखो इस पे पहुंचने के लिए मैं कितना एक्स कितना आगे बढ़ा, मैं एक्स आगे बढ़ा इसके लिए आधा एक्स, यानी ए एज लेंथ है ए बाय टू, आधा बढ़ा एक्स डायरेक्शन में ए बाय टू आई, मैं वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ाऊं प्लस, और कितना आगे बढ़ाऊं ए बाय टू, जितना भी ए था उसका आधा आगे बढ़ाऊं ना ए बाय टू जे, और जेड डायरेक्शन में कितना बढ़ा नेगेटिव में आधा, यानी माइनस ए बाय टू के, ए बाय टू तीनों में आ रहा है तो मैं ए बाय टू को तो बाहर निकाल लूंगा, और यहां से बचेगा आई प्लस जे माइनस के, तो ये मेरा ए प्राइम वेक्टर आया। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगा बी प्राइम वेक्टर, फिर निकालूंगा सी प्राइम वेक्टर, और अगर ये यही वाले वेक्टर है ये ए प्राइम बी प्राइम, प्राइम मत बोलो, आपको अगर प्राइम में कंफ्यूजन प्राइम मत बोलो, ए बी सी बोल लेते हैं सिंपल, ठीक है, इट डज नॉट मेक एनी चेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर, अब इसी तरीके से निकालते हैं हम हमारा बी वेक्टर। चलो इसे मिटा देता हूं मैं, आपने अगर लिख लिया होगा तो, बी वेक्टर निकालते हैं, हमारा बी वेक्टर किसके बराबर होगा, देखो इसमें आधा आधा बढ़ रहे हैं, आधा वाई बढ़ा आधा जेड बढ़ा और आधा एक्स बढ़ा, बट एक्स नेगेटिव में बढ़ा, तो ए बाय टू तो कॉमन होगा सेम इसकी तरह, पर वाई पॉजिटिव में है यानी कि जे तो प्लस में आएगा, के भी पॉजिटिव में है ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो के भी पॉजिटिव में आएगा, पर एक्स हमारा पीछे की तरफ है, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ये वाली, तो ये आधा एक्स नेगेटिव में है यानी माइनस आई है, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब निकालेंगे सी वेक्टर, सी वेक्टर देखो क्या होगा, इसमें सी वेक्टर ये वाला फिगर ऐसे आगे की तरफ है तो पॉइंट आगे की तरफ है, तो एक्स पॉजिटिव में है बट वाई नेगेटिव में है, वाई यहां से ओरिजिन का इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव है और जेड भी पॉजिटिव में है सी के लिए, तो ए बाय टू अगेन कॉमन होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव z पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव एंड z पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा c वेक्टर। तो ये है हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इन BCC लैटिस। अब इन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से हम निकालेंगे रेसिप्रोकल लैटिस, तो इसको इस फिगर को अब मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं ये वाला भी लिख देता हूं यहां पर क्योंकि मुझे इसका यूज होगा, ए वेक्टर क्या था मैं यहां लिख देता हूं, इसे मिटा देता हूं, है ना। ए वेक्टर हमने निकाला है ए बाय टू आई प्लस जे माइनस के, ये और बी ये रहा सी ये रहा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अगर आपने बनाया नहीं है तो बना लो, ठीक है। तो अब फॉर्मूला देखो, जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस में होता है वो होता है हमारा, अभी बताया था मैंने, 2 पाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो पहले ये निकाल लेते हैं वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम हमारे ए एस्टेरिक्स में भी आएगा, बी एस्टेरिक्स में भी आएगा और सी एस्टेरिक्स में भी आएगा। तो ए वेक्टर कितना है हमारे पास, ए बाय टू आई प्लस जे माइनस
के डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखो बी वेक्टर में ए बाय टू, सी वेक्टर में ए बाय टू, दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को तो मतलब मल्टीप्लाई कर दो पहले, ए स्क्वायर बाय टू टू जब फोर, ठीक है ये चीज तो पहले ही आ गई। उसके बाद माइनस आई प्लस जे प्लस के का क्रॉस होगा किसके साथ, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए बाय टू आई प्लस जे माइनस के, ये तो यही एज इट इज है, ये ए स्क्वायर बाय फोर को भी मैं यहां करता हूं तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाय फोर टू जो एट। और इसको सॉल्व करो, देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो आपको याद होगा, आपने 12th क्लास में सीखा था क्या था, आई जे के लिखते थे डिटर्मिनेंट के तरीके से, माइनस वन वन वन, माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन, वन माइनस वन वन, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, आई वन माइनस वन एंड माइनस प्लस वन, उसके बाद माइनस जे माइनस वन माइनस वन प्लस के, ये आपको आई होप आता होगा, प्लस के वन माइनस वन, तो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया वन प्लस माइनस वन माइनस वन टू माइनस टू प्लस टू, ये भी प्लस टू, तो टू कॉमन आई प्लस जे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है हमारी, ये इतना हिस्सा है ना, ये है टू आई प्लस जे, और ए स्क्वायर बाय फोर भी था ना बी बी क्रॉस सी में, तो वो भी यहां पर लिख लो, ए स्क्वायर बाय फोर, ये अलग से रखा है हमने, ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी, ये है बी क्रॉस सी की, क्यों लिखी मैंने अलग से, क्योंकि ऊपर भी इसका यूज होगा, मैं दोबारा थोड़ी करूंगा ये सारी चीजें, बी क्रॉस सी का ऊपर भी यूज होना है तो पहले लिख के रख लिया। खैर अब इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो ये पता है डेरिवेशन मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसी चीज पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें एग्जैक्टली यही सब करना पड़ता है, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको, तो इसीलिए ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा इतने हिस्से की वैल्यू ये आई थी तो मैंने बाद में लिखा था, इसकी वैल्यू ये आई थी, तो लिख देते हैं टू आई प्लस जे, राइट। अब देखो ये हो जाएगा टू से फोर जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाय फोर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई तो हो गया वन प्लस जे डॉट जे हो गया वन, और के तो है नहीं तो बस इतना ही आएगा, वन प्लस वन इज टू, टू टू जा फोर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाय टू, ये आई मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू, ठीक है। अब ये वॉल्यूम की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी क्रॉस सी की वैल्यू मेरे पास ये रही, मुझे ए एस्टेरिक्स मिल जाएगा, तो देखो मैं मिटा देता हूं इसको, है ये हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल दी है, ये बी क्रॉस सी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बी क्रॉस सी की वैल्यू, ये पूरी चीज। अब देखो ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू टू पाई, बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बाय, ये टू था ना, टू टू जा फोर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू आई प्लस जे, ये वाली बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई। और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम की ये रही ए क्यूब बाय टू, इस टू से तो ये टू कट गया, ए स्क्वायर से ये कट गया, ये आया मेरे पास टू पाई बाय ए आई प्लस जे, ये आई मेरे पास ए एस्टेरिक्स की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सिमिलर तरीके से आप बी एस्टेरिक्स और सी एस्टेरिक्स की वैल्यू लिख सकते हो, बिल्कुल जैसे मैंने ए एस्टेरिक्स निकाला इसी तरीके से बी एस्टेरिक्स निकलेगा, इसी तरीके से सी एस्टेरिक्स निकलेगा। तो मैं बी एस्टेरिक्स और सी एस्टेरिक्स निकालता हूं, अब देखो ठीक है, आप स्किप कर सकते हो अगर आपको पता है कि बी एस्टेरिक्स कैसे निकलेगा और सी एस्टेरिक्स कैसे निकलेगा, बट स्टिल मैं निकालता हूं। यहां पर देखो वॉल्यूम तो सब में ही सेम है ना, वॉल्यूम की तो वही वैल्यू है जो हमने पहले निकाली थी, वही वैल्यू अभी भी होगी वॉल्यूम की, और क्या निकाली हमने वॉल्यूम की टोटल वैल्यू, ए क्यूब बाय टू, तो ये तो तीनों ही केस में सेम आएगा, तो वॉल्यूम भी लिख देता हूं मैं ए क्यूब बाय टू, ये तीनों ही केस में सेम आएगा। अब ये आ गई मेरी ए एस्टेरिक्स की वैल्यू, इसको लिखते हैं साइड में, जो भी हमारा सॉल्यूशन बन रहा है उसको साइड में लिखते चलो, क्योंकि इसी सॉल्यूशन का यूज अभी एफसीसी में भी होने वाला है। तो ए एस्टेरिक्स की वैल्यू मेरे पास आई है
टू पाई बाय ए आई प्लस जे। चलो ये आया हमारा पहला ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, अब निकालते हैं अगला। अगला निकालना है हमें कौन सा, बी एस्टेरिक्स। बी एस्टेरिक्स, बी एस्टेरिक्स का फॉर्मूला क्या था, टू पाई उसका था बी क्रॉस सी, तो इसका होगा सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सी क्रॉस ए की वैल्यू निकाल लो फटाफट से, सी क्रॉस ए, सी क्या है, ये रहा ए, ये रहा ए बाय टू, ए बाय टू विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय फोर, एंड देन इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, तो कर ही लेते हैं ना डायरेक्ट, आई जे के सी क्रॉस ए, वन माइनस वन वन, वन माइनस वन वन, वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन। तो देखो आई क्या हो जाएगा, वन माइनस वन आई तो गया, माइनस जे क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन जे रहेगा इसका मतलब, प्लस के क्या हो जाएगा, वन प्लस वन के भी रहेगा, ये तो हो जाएगा टू जे प्लस टू के, राइट। तो टू कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की टू जे प्लस के, टू टू जा फोर हो गया, तो हमारे पास जो बी क्रॉस सी की वैल्यू आई वो क्या आई, मैं मिटा इसलिए देता हूं क्योंकि आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है ना, तो आप प्लीज पॉज करके वो लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या, तो हमारे पास सी क्रॉस ए की वैल्यू आई ए स्क्वायर बाय टू जे प्लस के, तो इस सी क्रॉस ए की वैल्यू अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बी एस्टेरिक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास टू पाई, सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली, यानी ए स्क्वायर बाय टू जे प्लस के बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ए क्यूब बाय टू, ए क्यूब बाय टू, टू से तो ये टू गया, इससे ये कट गया, आंसर आया टू पाई बाय ए जे प्लस के। ये आया हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, तो बी एस्टेरिक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, टू पाई बाय ए जे प्लस के। आपको पैटर्न दिख गया होगा, वैसे क्या दिखा, ए एस्टेरिक्स, बी एस्टेरिक्स और अभी जो हम सी एस्टेरिक्स निकालेंगे वो भी तीनों की एज लेंथ टू पाई बाय ए, टू पाई बाय ए उसकी भी टू पाई बाय ए ही होगी, यानी कि ये जो रेसिप्रोकल लैटिस बना रहा है ना वो भी एक क्यूबिक लैटिस है, सारी साइड बराबर है। ठीक है, अभी और इसका मतलब अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं तीसरा वाला सी एस्टेरिक्स। चलो सी एस्टेरिक्स निकालते हैं, क्या होगा टू पाई, वो था बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस बी बाय वॉल्यूम। ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट, क्या आएगी ए क्रॉस बी की वैल्यू, इन दोनों के मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय फोर तो सामने ही आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों का डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, आई जे के वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन, एंड देन माइनस वन वन वन, माइनस वन वन वन, तो क्या आएगा ये आई वन प्लस वन माइनस जे वन माइनस वन, जे खत्म इसका मतलब क्योंकि जीरो हो जाएगा, जे तो चला गया, और फिर प्लस के वन प्लस वन, ये तो गया जीरो हो गया, ये हो गया टू आई प्लस के, ये वैल्यू आई हमारे पास किसकी, जो भी यहां पर कॉमन लेने के बाद जो था ये वाला हिस्सा क्रॉस ये वाला हिस्सा, तो हमारे पास वैल्यू आई है इसकी टू आई प्लस के, टू टू जब फोर, ये हो गया ए स्क्वायर बाय टू आई प्लस के, ये आई हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू। और अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस में, यानी कि सी एस्टेरिक्स में, तो सी एस्टेरिक्स की वैल्यू हो जाएगी टू पाई, ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास ए स्क्वायर बाय टू आई प्लस के डिवाइड में वॉल्यूम, वॉल्यूम हम पहले निकाल चुके हैं ए क्यूब बाय टू, ए क्यूब बाय टू से टू कट गया, ए स्क्वायर से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा टू पाई बाय ए आई प्लस के, ये आई सी एस्टेरिक्स की वैल्यू,
लिख देते हैं इसकी वैल्यू भी, यहाँ पर जगह नहीं है, अब वॉल्यूम का तो यूज है नहीं तो मैं यहाँ वॉल्यूम हटा करके यहाँ लिख देता हूँ। तो सी एस्टेरिक्स की वैल्यू आई हमारे पास 2 पाई बाय ए आई प्लस के, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो ये जो है ना हमारे ए बी सी, ये बना रहे थे बी सी सी स्ट्रक्चर जिसका ये हमने वेक्टर लिखे थे, ट्रांसलेशन वेक्टर्स की ये वैल्यू है, ठीक है। ये तीन जब रेसिप्रोकल लैटिस में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने ये वाले रेसिप्रोकल लैटिसेस हमें दिए, इसमें भी एज लेंथ तीनों की बराबर है, यानी ये भी हमें क्यूबी बना करके देगा, और ये जो पैटर्न बनेगा इससे जो मतलब लैटिस बनेगा, देखो इस वाले पैटर्न से जो लैटिस बन रहा था वो बन रहा था बीसीसी, और इस वाले पैटर्न से जो लैटिस बनेगा वो बनेगा एफसीसी। मैं अभी आपको एफसीसी वाले पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा क्यों बनेगा। तो देखो बीसीसी लैटिस का जब रेसिप्रोकल लैटिस बनाया जाता है तो वो देता है एफसीसी लैटिस, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस इज एफसीसी लैटिस, और अभी आपने ये मान लिया कि हाँ ये एफसीसी देता है, वो अब मैं आपको फिगर से बताऊंगा कि क्यों देता है। तो ये पहला हमारा काम कंप्लीट हो गया कि बीसीसी एफसीसी देता है, ठीक है, बट ये एफसीसी है या नहीं ये अब आपको पता चलेगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप प्लीज लिख लो क्योंकि ये पहला पार्ट हो गया है। अब रेसिप्रोकल लैटिस टू एफसीसी लैटिस करेंगे हम, जिसमें आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस, करेक्ट। अब हम करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस टू एफसीसी लैटिस, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला कि ये एफसीसी है, मैंने क्यों बोला ऐसा, ये अभी समझ में आ जाएगा शुरुआत में ही, फिर मैं इसको मिटा दूंगा और आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले एफसीसी के लिए स्ट्रक्चर बना देते हैं, एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसमें आप कोई भी एक आर्बिट्रेरीली ओरिजिन मानेंगे हम, तो हम मान लेते हैं इसको ओरिजिन। अब फेस सेंटर्ड का मतलब है हर फेस के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट है ना, तो मैं इससे जो जो कनेक्ट करूंगा मैं सिर्फ वो तीन बना रहा हूं। तो ये वाला जो फेस है इसके सेंटर में एक एटम एक लैटिस पॉइंट यहां पर होगा, इसके सेंटर में एक लैटिस पॉइंट यहां पर होगा, और इससे कौन सा और कनेक्टेड है, इसके सेंटर में एक लैटिस पॉइंट यहां पर होगा, करेक्ट बात। बाकी जो तीन है, एक ऊपर वाला फेस का मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसका मेरे फिगर के हिसाब से यूज नहीं है अभी, एक इधर वाले फेस का मैंने नहीं बनाया और एक सामने वाले फेस का नहीं बनाया, ठीक है। अब देखो इस पे पहुंचने के लिए जो लैटिस वेक्टर में लिखूंगा वो क्या होगा, प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, वो ए वेक्टर है, ठीक है। वैसे आप कंफ्यूज मत हो ना, जो एक्स एक्सिस में हम बनाते हैं ना वेक्टर वो ए वेक्टर होता है, बट यहाँ पर हमारी नोटेशन है, हम कुछ भी दे रहे हैं हमारी मर्जी है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ए प्राइम ले लेना, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, ये वाला हो गया आपका इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए बी वेक्टर, और इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए सी वेक्टर, क्लियर है। तो ये तीन वेक्टर्स हो गए हमारे पास। अब आप देखो जरा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। अब आप बताओ इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो ये इस बेस के ऊपर, इस लाइन, इस प्लेन के ऊपर है ना, यानी कि इसमें z ऊपर और नीचे नहीं है, तो आप इस पे पहुंचने के लिए क्या करा आपने, आप आधा तो x की तरफ बढ़े और आधा y की तरफ बढ़े, बट z की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़े, यानी a by 2 तो आपका हुआ i प्लस a by 2 हुआ आपका j, बट z की तरफ आप बढ़े नहीं तो z लिखेंगे नहीं हम। अब a by 2 दोनों में कॉमन है, निकाल लिया i प्लस j, करेक्ट बात। तो आपका जो ए वेक्टर है, यानी कि फेस सेंटर्ड में जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होता है ए, वो बराबर होता है ए बाय टू आई प्लस जे के, करेक्ट। इसी तरीके से अभी आप बी वेक्टर देखो, इसको मिटा देता हूं, इसको रहने देता हूं क्योंकि मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट बात बतानी और इवन ये यूज भी होगा। बी वेक्टर देखो जरा, बी वेक्टर पे पहुंचने के लिए बी वेक्टर किस प्लेन पर है, इस वाले प्लेन पर, तो उसके लिए आप आधा x बढ़े, आधा y बढ़े, आधा z बढ़े, बट x बिल्कुल नहीं बढ़े, तो ये हो जाएगा आपका a by 2 आधा y, यानी कि a by 2 j प्लस a by 2 k की डायरेक्शन में,
तो ये हो गया आपका a बाय टू जे प्लस के, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर b है वो ये होता है, करेक्ट। अब c निकालते हैं, देखो c वेक्टर बराबर होगा हमारा ये वाला c, ये इस प्लेन पर है, इसके लिए x और y बढ़ेगा, बढ़ाया हमने बट सॉरी x और z बढ़ाया बट y बिल्कुल नहीं बढ़ाया, तो ये हो जाएगा a बाय टू आई, x वाला आई है, प्लस a बाय टू के, जे तो है ही नहीं यहां पर क्योंकि y डायरेक्शन में तो ना पॉजिटिव में बढ़ाया ना नेगेटिव में बढ़ाया, तो ये हो जाएगा a बाय टू आई प्लस के c वेक्टर। अब आप एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, पूरे फोकस के साथ समझना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो भी ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर मैं यूज कर रहा हूं वो i प्लस j के टर्म्स में, ये a बाय टू तो एज लेंथ है, ये तो लेंथ हो गई, अगर एज लेंथ a है तो a बाय टू मुझे आधे तक पहुंचना है, बस मुझे उससे मतलब है, तो a बाय टू a बाय टू a बाय टू, अगर ये एज लेंथ कुछ और होती तो उसका आधा कर देते हम, यहां तो आधे का मतलब है जो भी एज लेंथ है उसका आधा, तो ये तो आपको इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, सॉरी ये तो आपको एक वैल्यू दे रहा है, हाँ ए आई प्लस जे, जे प्लस के और आई प्लस के, ये वो चीज है जो फेस सेंटर्ड को बनवा रहे हैं। अब आप जरा इधर आ जाओ, जो रेसिप्रोकल लैटिस हमने अभी जस्ट बीसीसी लैटिस का निकाला था उसमें जो सी एस्टेरिक्स है वो है आई प्लस के, और वही ट्रांसलेशन वेक्टर है फेस सेंटर्ड के अंदर आई प्लस के, ए के अंदर था जे आई प्लस जे रेसिप्रोकल केस में, पर फेस सेंटर्ड के अंदर ए का ट्रांसलेशन वेक्टर नॉर्मल बिना रेसिप्रोकल वाला वो है आई प्लस जे, तो यानी कि इन दो इसके और इसके कंपैरिजन अगर आप करो तो ये बीसीसी के रेसिप्रोकल वही है जो एफसीसी का नॉर्मल ट्रांसलेशन वेक्टर है, तो यानी कि बीसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी बनाता है, ये मैं बता रहा था उस टाइम। खैर अब हम शुरू करते हैं एफसीसी का लैटिस, ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं, ये तो नॉर्मल प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर बना दिया हमने, अब इन तीन को यूज करके इसका रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं जो कि वो आएगा जो बीसीसी का ट्रांसलेशन वेक्टर था, ठीक है। इस वाली बात से क्या समझ में आया हमें कि बीसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी लैटिस होता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं, यूज नहीं है इसका, और इन तीनों का यूज है तो मैं यहां लिख लेता हूं इनको, ए वेक्टर है हमारे पास ए बाय टू आई प्लस जे, b वेक्टर है हमारे पास a बाय टू जे प्लस के, और c वेक्टर है हमारे पास a बाय टू आई प्लस के, ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसका यूज है नहीं हमारे पास, हो गया काम। तो ये है हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ एफसीसी लैटिस, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड what are the primitive translation vector of reciprocal lattices of this FCC lattice, all right? तो चलो शुरू करते हैं, formula क्या था a asterisk का 2 pi b cross a divided by volume, right? और volume किसके बराबर, b cross c, I'm sorry, b cross c, ठीक है, volume का formula क्या था हमारे पास, a vector dot b vector cross सी वेक्टर, तो वॉल्यूम तो एक ही बार निकाल लेते हैं, तीनों केसेस में काम में आ जाएगा, तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास ए बाय टू आई प्लस जे, उसके बाद बी क्रॉस सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बाय फोर तो पहले ही निकाल लेता हूं मैं, ए स्क्वायर बाय फोर मैंने पहले निकाल, वैसे यहां बी क्रॉस सी यहां भी यूज होना है तो पहले मैं बी क्रॉस सी यहां भी लिखता रहता हूं साथ साथ, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ए स्क्वायर बाय फोर हो गया, ठीक है, उसके बाद इन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या है, बी क्रॉस सी यानी कि जे वेक्टर प्लस के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, क्या होता है आई जे के, आई जीरो है वन वन जीरो वन वन और ये है वन जीरो वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई वन माइनस जीरो माइनस जे जीरो माइनस वन प्लस के, के लिए हो जाएगा जीरो माइनस वन, तो आई होप मैंने सही किया है, आई वन माइनस जीरो करेक्ट है, माइनस जे
जीरो माइनस वन करेक्ट है प्लस के जीरो माइनस वन करेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई प्लस जे माइनस के, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, लिख देते हैं क्या वैल्यू आई हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू बाय फोर टू जे एट, यहां पर क्या है आई प्लस जे, और इन दोनों का क्रॉस हमने क्या निकाला, ये वाला आई प्लस जे माइनस के। अब डॉट प्रोडक्ट है कर लो, ए क्यू बाय एट आई आई वन प्लस जे जे वन, पर के तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस वन टू, टू फोर जाए एट, दैट विल बी ए क्यू बाय टू फोर जाए एट, तो ठीक है, इजी है हमारे लिए। अच्छा हाँ एक सेकेंड, ये तो लिखा नहीं, ये क्या था ए स्क्वायर बाय फोर, और इन दोनों का क्या आया था क्रॉस, ये आई प्लस जे माइनस के, यूज होना ना इसका भी, चलो। और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास थ्रू आउट तीनों केसेस के लिए रेसिप्रोकल के लिए यही आएगी ए क्यूब बाय फोर। देखो तो ए एस्टर एक्स इज इक्वल टू टू पाई, बी क्रॉस सी की वैल्यू ये रही ए स्क्वायर बाय फोर आई प्लस जे माइनस के, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ए क्यूब बाय फोर, ए क्यूब बाय फोर, फोर से तो ये फोर कट गया, ए स्क्वायर से ये कट गया, और हमारे पास आया टू पाई बाय ए आई प्लस जे माइनस के। ये आई हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अगर मैं एफ सी सी लैटिस के ए वेक्टर के, ए ट्रांसलेशन वेक्टर जो है उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आएगा, और ये वही है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, इस पोर्शन को देखो, ये वही है जो बीसीसी लैटिस का नॉर्मल ट्रांसलेशन वेक्टर था, है ना, बिना रेसिप्रोकल वाला। तो यानी एफसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस बीसीसी लैटिस बना रहा है ना। इसी तरीके से मैं बी एस्टरिक्स और सी एस्टरिक्स लिख देता हूं, आप सिमिलर कर लोगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना फिर, तो आप समझ गए होंगे आई होप, जैसे ए एस्टरिक्स निकाला है उसी तरीके से बी एस्टरिक्स एंड देन सी एस्टरिक्स, ठीक है। जैसे ए का मैंने रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर निकाला, उसी तरीके से जब आप बी और सी का निकालोगे इन दोनों का, तो आपको ये मिलेगा, और ये वाली चीज ये बिल्कुल वही है जो ट्रांसलेशन वेक्टर इन बीसीसी था। तो यानी कि एफसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस बीसीसी होता है, और अभी जस्ट हमने पहले प्रूव करा था कि बीसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी होता है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेशन के थ्रू ही आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर पाओगे, तो मैं आपको दो तीन न्यूमेरिकल अभी आज के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनको करना, और अगर टाइम हो तो मुझे कमेंट में आंसर भी बताना।